जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रो की, उनके अभद्र व्यवहार और गलत आचरण के चलते, गलत असंसदीय आचरण के चलते उनकी लोकसभा सांसदी जाना लगभग तय है, केवल घोषणा बाकी है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहां तक कि सांसदी जाने के बाद उन पर केस भी चलेगा, क्रिमिनल केस, एवं उसकी जांच सीबीआई ईडी भी कर सकती है। अब मैं बता रहा हूं महुआ मोइत्रो के बारे में। हालांकि इस विषय के ऊपर, महुआ मोइत्रो के ऊपर हम लोग पहले भी दो बार तीन बार वीडियो बना चुके हैं। आज एक बार फिर बनाने की जरूरत आन पड़ी है, वो इसलिए कि महुआ मोइत्रो जो है, इस लोकसभा, वर्तमान जो लोकसभा चल रही है, वो गलत आचरण, इस लोकसभा में उसको उनको बहिष्कार अगर किया जाता है, जैसी संभावना दिखाई दे रही है, तो शायद वो पहले सांसद होंगी जिनको बहिष्कार किया जाएगा। इसके पहले हमारे देश के इतिहास में 2005 में एक साथ 11 सांसदों को बहिष्कार किया गया था। उस समय लोकसभा के स्पीकर थे, यानी वाचस्पति थे, सोमनाथ चटर्जी, और आज स्पीकर है ओम बिड़ला। सोमनाथ चटर्जी बहुत बड़े विद्वान थे, शिक्षाविद थे, एवं बहुत बड़े पुराने लोकसभा के सांसद भी थे, श्रेष्ठ सांसदों में भी गिने जाते थे, एवं उनके द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था, उनके अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ था लोकसभा में, एवं 11 सांसदों के, उसमें राज्यसभा के भी लोग थे, इथिक्स कमेटी ने उनके माध्यम से ही प्रस्ताव पास किया था। उसमें 11 सांसदों की, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही थे, 11 सांसदों की सांसद पद से उनको हाथ धोना पड़ा था, अर्थात उनको बहिष्कार का आदेश भारत की संसद ने दिया था। उस समय स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के। आज जो सदाचार कमेटी, यानी जिसको इंग्लिश बोलते एथिक्स कमेटी, वो एथिक्स कमेटी की अभी बैठक हुई थी, दो बार बैठक हुई थी। एक तो बैठक में पिछले हफ्ते ही बैठक हुई थी, उस बैठक में सांसद महुआ मोइत्रो को भी बुलाया गया था पेश होने के लिए, एवं उन्होंने वहां पर पेशगी भी दर्ज की, पेशी हुई उनकी, लेकिन चंद मिनटों के अंदर में ही उन्होंने वहां पर तर्क वितर्क किया, वाक वितंडा हुआ, एवं बहुत अभद्र आचरण पेश किया। और वो इसलिए वो सब अभद्र आचरण पेश कर रही थी क्योंकि उनको वो जानती है कि उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है उसकी तो मतलब कोई क्षमा है ही नहीं, बहुत बड़ा जघन्य कांड किया है। एक लोकसभा का सांसद कम से कम भी 20-25 लाख लोगों का प्रतिनिधि बनता है भारत की लोकसभा में, और उन्होंने जनहित के, वो तो आती है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के राज्य के हित के, भारत के हित के, जनता जनार्दन के हित के, मतलब सवाल तो पूछे नहीं, उन्होंने अपने 4.5 साल के लोकसभा कार्यकाल में कुल में 60 सवाल पूछे हैं, 60, उसमें सिर्फ और सिर्फ 51 सवाल पूछे हैं अदानी ग्रुप के बिजनेस के, इंडस्ट्री के बारे में। बात यह है कि एक लोकसभा के सांसद, वो अगर 60 में से 51 सवाल पूछेंगी केवल एक ही इंडस्ट्रियल हाउस के बारे में, तो माने संदेह तो होगा ही, उसी तरह उनके ऊपर संदेह हुआ, एवं उसकी जांच प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो जांच से पता चला कि आजकल जो दुबई में विराजमान हो रखे हैं हीरानंदानी, वो हीरानंदानी से इनकी साठगांठ थी, और हीरानंदानी भारत में अदानी ग्रुप के कंपटीटर है बिजनेस में, इंडस्ट्री में। उन्होंने महुआ मोइत्रो के साथ संपर्क किया और महुआ मोइत्रो ने भी उनसे संपर्क किया, एवं दोनों की जुगलबंदी ने भारत की संसद में लगातार प्रश्नों की बोछार की अदानी ग्रुप के समूह के खिलाफ। कैसे हुआ? प्रत्येक सांसद को हमारे देश में वो जो लोकसभा सेक्रेटरीट है, उनका जो वेबसाइट है, उनकी लॉगिन पासवर्ड वगैरह दिया जाता है,
तो इस महुआ मोत्र ने क्या किया, अपने पूरा लॉगिन पासवर्ड वगैरह थमा दिया हीरा नंदानी को, और हीरा नंदानी ने उसी का इस्तेमाल कर वहीं से दुबई से बैठे हुए, दुबई से बैठे बैठे ही और अदानी के खिलाफ मतलब बारंबार प्रश्न पूछ रहे थे भारत सरकार से। इन्हीं के लोकसभा, ये जो है लोकसभा के सांसद महिमा मित्र, उन्होंने ही वो पासवर्ड लॉगिन दिया है हीरा नंदानी को, और हीरा नंदानी खुद एवं उनके जो मैनेजर वगैरह है वो जो बारंबार लोकसभा सेक्रेटरी से लोक माध्यम से स्पीकर महोदय को पूछ रहे थे सवालों पर सवाल, 51 सवाल उन्होंने पूछे। अरे भाई बात यह है कि आप तो वहां पर सांसद हैं लोकसभा की, मतलब जनता जनार्दन की, आप एक कैपिटलिस्ट हाउस को, बिजनेस हाउस के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप इतना नीचे स्तर तक चली गई है और जनता जनार्दन को संपूर्ण रूप से बिसरा दी है, भूल गई है केवल एक इंडस्ट्रियल हाउस, एक कॉरपोरेट हाउस को समर्थन देने के लिए या उसको फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है उन विषयों को, मतलब वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में वो सब जानकारी हासिल करने के लिए आपने लोकसभा सांसद एक तरह से बेच दी है और पैसे खड़े किए हैं बारंबार। वो हीरा, जब ये मामले का सब खुलासा हुआ, खुलासा कैसा हुआ, इनके एक पुरुष मित्र है जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, जय देहाद्री, उनसे इनके आपस में क्या कट्टी हो गई है किसी भी बात को लेकर। तो उन्होंने क्या किया कि झारखंड के जो एमपी है भाजपा के, उनसे निशिकांत दुबे से संपर्क किया और निशिकांत दुबे को सारी डिटेल्स इनके बारे में, महुआ मित्रों के बारे में बता दी। अर्थात सभी को मालूम है, जैसा मतलब रावण का अगर खात्मा हुआ है तो उसके लिए विभीषण जिम्मेदार है, विभीषण ने तो सारी पोल पट्टी बताई रावण की कि रावण कैसे मरेगा, भगवान रामचंद्र को तो उसी ने, विभीषण ने तो गाइड किया था, बताया था। उसी तरह महुआ मित्र कैसे पैसे के चंद सिक्कों के बदलो बिक चुकी है और हीरा नंदानी को सपोर्ट कर रही है खुलेआम सरेआम, वो सारी डिटेल्स महुआ मित्र के पुरुष मित्र ने सारी डिटेल्स भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को मुहैया कराई। तत्पश्चात निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा एवं सारी बातें महुआ मित्र के बारे में बताई एकदम पूरा डिटेल्स में। इसके बाद एक सदाचार कमेटी होती है लोकसभा की, संसद की, वो सदाचार कमेटी बैठी, सदाचार कमेटी अभी हाल में ही बैठी थी और वो सदाचार कमेटी का रिकमेंडेशन आया है, उसमें सभी दलों के सांसद हैं, उसमें 6-4 मतलब महुआ मित्र के खिलाफ 6 सांसदों ने बयान दर्ज कराया है, अपनी जजमेंट दी है, राय दी है, और 4 सांसद इंक्लूडिंग महुआ मित्र और एक है डानिश अली जो बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, इस तरह और 2 सांसद ने महिमा मित्रों को समर्थन देकर सदाचार कमेटी में अपना बयान दर्ज कराया है और प्रस्ताव पारित हुआ 6-4 अर्थात महिमा मित्रों के खिलाफ 6 जन लोकसभा सांसद बोले और महिमा मित्रों समेत 4 जन उसके फेवर में बोले और उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया है। सदाचार कमेटी की जो बैठक हुई थी उन्होंने रिकमेंडेशन कर दिया है लोकसभा स्पीकर को, ओम बिड़ला को। अब ओम बिड़ला के पास चला गया है ये प्रस्ताव। अब ओम बिड़ला के पास क्या ऑप्शन है, वो नवंबर में, इसी नवंबर में, अभी तो आज 10 तारीख हुआ, इसी नवंबर में एक शीतकालीन अधिवेशन लोकसभा का अभी प्रस्तावित है, लोकसभा का शीतकालीन अधिवेशन होगा। ओम बिड़ला जो स्पीकर है वो उस सदाचार कमेटी की रिपोर्ट संसद के टेबल पर पेश करेंगे, तत्पश्चात उस पर वोटिंग होगी, कुछ छोटी मोटी चर्चा भी हो सकती है, तत्पश्चात वोटिंग होगी और वोटिंग में तो एनडीए की मेजोरिटी है और ये जो महिला है सांसद महुआ मित्र, वो तो मतलब शुरू से ही 4.5 साल हो गया, शुरू से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलती रहती है, सारे अधिवेशनों में मुखर होकर नरेंद्र मोदी भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलती रहती है एवं वो कैसे कैसे महंगे गिफ्ट हीरा नंदानी ने इनको दिए हैं, वो उन्होंने हीरा नंदानी ने खुद एफिडेविट करके, उन एफिडेविट के माध्यम से सब बताया है कि हमने इनका सांसद का जो इसको भवन होता है, सांसद का जो इनका क्वार्टर है उसको हमने मरम्मत किया है, ये जो विदेश दौरे पर जाती थी वो सारा खर्चा हम उठाए हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं, जेवरात दिए हैं और क्या क्या नहीं, सारे होटलों का खर्चा देश में विदेशों में हम लोग उठाए हैं, वो उन्होंने अपने एफिडेविट के माध्यम से दिया है। तो सारी बात सच्चाई होकर सब खुल गई है
और इनका सांसद पद लोकसभा पद जाना तय है। मजा की बात यह है, आप देखिए 2005 में लोकसभा स्पीकर जो थे सोमनाथ चटर्जी, उनके अध्यक्षता में तो 11 सांसदों की सांसदी गई थी। उसी समय एक कांग्रेसी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनको जब बहिष्कार किया गया सांसद पद से, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोकसभा स्पीकर का जजमेंट को सराहा है, बोला एकदम फैसला सही है, आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे, आपने एज यू सो यू रीट, आपने ही गलत काम किया है। उस समय वो कैश फॉर क्वेश्चन ऐसा था, एक बहुत बड़ा अध्याय हुआ था, कैश फॉर क्वेश्चन बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था 2005 में। 11 सांसदों ने पैसा लेकर संसद में सवाल पूछे थे, ये तो अपनी पूरी वेबसाइट उनको समर्पित कर दी थी, इतना बड़ा जघन्य कांड भी वो लोग कोई नहीं किए थे, केवल चंद क्वेश्चन वो लोग पूछे थे किन्हीं किन्हीं लोगों से या बिजनेस हाउसेस से पैसा लेकर, उसके ऊपर उनकी सांसदी चली गई थी। इनके खिलाफ तो सारे पुख्ता सबूत है, जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने इनको फंड्स दिया, जिन्होंने इनका ट्रेवल्स खर्चा उठाया, उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से बोल दिया सारी बातें। और ये तो पूरा पूरी एक तरह से देखा जाए तो इनका तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, केवल सब कुछ औपचारिकताएं बाकी है। वो औपचारिकता इसी नवंबर में जो शीतकालीन अधिवेशन होगा, लोकसभा अधिवेशन होगा, उसमें वो पूरी हो जाएंगी, अर्थात वोटिंग जब होगा तो वोटिंग में भी इनकी सांसदी जाना तय है। हाँ, हो सकता है कुछ कुछ शोर शराबा हो, क्योंकि अपोजिशन वालों का तो काम है आजकल संसद में शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला करना, वो करेंगे, लेकिन सांसदी जाना तय है, ये एकदम इसमें कोई रोक नहीं सकता। अब एक बात और है, वो बात क्या है कि इन्होंने जिस तरह से पैसा लेके लाखों करोड़ों रुपया मतलब लेके जो क्वेश्चन पूछी है, और एक बिजनेस हाउसेस जो दुबई बेस है, भारत से बाहर है, इसमें तो ईडी की एंट्री होगी, ईडी की एंट्री होगी, क्योंकि देश से बाहर लिंक इन्होंने बेच दिया है एक हीरा नंदानी को, तो ईडी की एंट्री होगी। और इन्होंने जो जो सब काम किया है सारे क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है हमारे देश में, तो वो सीबीआई की भी एंट्री होगी और ईडी की भी एंट्री होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके सांसदी पद जाने के बाद सीबीआई और ईडी छापेमारी करेगी, इनको समन भेजेगी, इनसे पूछताछ करेगी, एवं मोस्ट लाइकली ऐसे संभावना दिखाई दे रही है कि वो जेल जाना भी लगभग तय है। वो जो 11 सांसद गए थे, वो जो 11 सांसदों को बहिष्कार ऑर्डर दिया था संसद ने, वो कोई जेल नहीं गए, लेकिन ये जितना जघन्य काम किया उनके मुकाबले इनका सांसदी भी जाएगी और इनकी इनका जेल जाना भी लगभग तय है। अब बात यह है कि इतने दिनों तक ये मामला करीब महीना 20 दिन हो गया, ये चल रहा है महीना भर हो गया करीब करीब चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस चुप्पी साधे हुई थी। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता या नेत्री इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे, चुपचाप मौन साधे हुए थे। लेकिन कल जैसे ही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन पहुंच गया है लोकसभा स्पीकर के पास, और तब अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, लोकसभा सांसद भी हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है भाजपा के द्वारा। अब बोलिए सदाचार कमेटी है तो सभी दलों के सांसद हैं, इसमें राजनीति कहां आ गई? लेकिन उन्होंने लिपापोती करने की कोशिश की, महुआ मित्रों को बचाने की कोशिश की, और सीधा इल्जाम लगा दिया भाजपा पर या भारत सरकार पर कि उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर बदले की कार्रवाई की है। अब ये सांसद महोदया क्या बोलती है? वे बोलते चाहे जो कुछ कर लो, अगली बार जब मैं संसद के चुनाव लड़ूंगी तो अभी जितना जन समर्थन से मैं आई हूं उनसे कहीं ज्यादा वोटों से फिर से चुनकर आऊंगी, देख लीजिएगा। ऐसे चैलेंज भी किए भारत सरकार को, ठीक है। अब आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।